तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंडियन रेलवे की ओर से टिकट कलेक्टर गुड्स गार्डन क्लर्क की वैकेंसी आ रही है, नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट कर दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो इस भर्ती में आपको टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्डन क्लर्क जैसे भी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास या 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इस भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर एंड क्लर्क जैसा भी पोस्ट आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्टर्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है गुड्स गार्ड की पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल 9682 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सेकंड नंबर पे टिकट कलेक्टर की पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल 3872 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट में क्लर्क की पोस्टर्स के लिए आपको टोटल 7310 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 20804 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो अगर आप गुड्स गार्ड में अप्लाई करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी मंथली वो मिलेगी 5200 से लेकर 20200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। टिकट कलेक्टर की पोस्टर्स के लिए आपको 25500 से लेकर 45000 तक मंथली सैलरी दी जाएगी। एंड क्लर्क की पोस्टर्स के लिए आपको टोटल 25500 से लेकर 69200 तक मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 42 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 42 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 47 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 45 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्टर्स के लिए आपको कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर आप गुड्स गार्ड में पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। टिकट कलेक्टर की पोस्टर्स के लिए आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड अगर आप क्लर्क की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री या बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको कौन सी पोस्टर्स के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो रेलवे की नई भर्ती आ रही है इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा।
और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी एंड लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। दोस्तों स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 24 फरवरी 2022, यानी कि 24 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 26 मार्च 2022, यानी कि 26 मार्च 2022 तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जे सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जर्नी की एफसीआई की ओर से नई भर्ती आ रही है अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 6551 पोस्ट आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। एज लिमिट क्राइटेरिया में आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।